तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी पे एक बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में पढ़ने के वाले बहुत अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखेंगे सबसे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री के उन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए। अच्छी तरीके से हम आपको हम बताएंगे कि आपके लिए यह न्यूमेरिकल्स कितना इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होगा, आप सभी लोग ध्यान समझेंगे और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट और शेयर कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए पीडीएफ है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और यस की एम स्टडी ऐप जो यस की एम स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वहाँ मिलेगी, और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें बात क्या करेंगे, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पहले देखिए क्या है, उसके बाद इसमें देखिए गिवन क्या है, दिया क्या हो, पहले उसको लिख लेते हैं, तब आपको सवाल को हम सॉल्व करेंगे फार्मूले के साथ। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेंगे। देखिए ताप में 293 से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसका मान किसके साथ, ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। यह मानकर करना है कि जो इसका मान हो रहा है यह ताप के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आपको मानकर करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको देखिए दिया क्या है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया है कि इसको T1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम T2 मान लेंगे। ठीक है, दिया क्या है हमारा, T1 क्या दिया है, ताप यानी कि टेम्परेचर आपका कितना दिया है, T1 कितना दिया है, ध्यान से देखेंगे 293 केल्विन। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए T2 की बात करेंगे, T2 देखिए कितना दिया है, 313 डिग्री केल्विन। इसमें केल्विन में कभी भी डिग्री आप लोग मत लगाइएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन लगाते नहीं है। डिग्री में आप यानी कि केल्विन में आप डिग्री कभी मत लगाइएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। ठीक है, चलिए अब हम फार्मूले को पढ़ लेते हैं। फार्मूला देखिए हमारा क्या कहता है, इस फार्मूले से आपको सवाल पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें फार्मूला क्या कहता है कि लॉग K2/K1। ठीक है, K2/K1 बराबर क्या होता है, EA अपान 2.303 into R। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू आर। ठीक है, उसके बाद T2 - T1/T1 into T2, ये आपका फार्मूला होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए होगा। अब देखिए इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर एक तरीके से इसको लिखे हैं, क्या लिखे हैं हम ध्यान से देखेंगे, आप सभी लोग तभी समझ में आएगा। अगर हम इस EA को इधर ले आए, ठीक है, इस EA को इधर ले आए या इसको इधर ही रहने दें, तो देखिए जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो इसका ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें लॉग, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा K2/K1। अब इस पार्ट से जो पार्ट उधर जाएगा, यहाँ पे नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इंटू आर। ठीक है, क्या हो जाएगा आर इंटू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2.303। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि T1 into T2/T2 - T1। ठीक है, आपका ये हो जाएगा इंटू आपका, देखिए आपका ये तो है ही। ठीक है, तो सारे जो आपके जितने भी आपके व्यंजन सभी हमने लिख लिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया है। चलिए आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पार्ट आपके लिए दो पार्ट दिख रहे हैं, पहला पार्ट हमारा ये है, दूसरा पार्ट हमारा ये है। ठीक है, तो पहले दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या निकलने वाला है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे T1 into T2 अपान T1 into T2 अपान
क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी टू माइनस टी वन, क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन बराबर में देखिए क्या लिखेंगे हमें। देखिए अब इसका मान हमें लिखना है, टी वन का मान कितना दिया है 293 केल्विन दिया है, 293 इंटू टी टू कितना दिया है 313, यहाँ ऊपर हमने दे रखा है ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ठीक है। अब देखिए अब नीचे भी क्या हो जाएगा 313 माइनस 293 ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 4585.45 केल्विन। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या आने वाला है 4585.45 डिग्री, यहाँ डिग्री नहीं लगाएंगे इसमें केल्विन पढ़ेंगे ठीक है। चलिए एक पार्ट तो हमारा निकल गया, अब देखिए दूसरा पार्ट देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, लॉग लॉग के टू अपान के वन, अब देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में देखेंगे, आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का अभियोग 4 गुना हो जाता है, कितने गुना 4 गुना हो जाता है। अब देखिए 4 गुना पहले कितने गुना थे, 1 गुना थे, 4 गुना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4/1 यानी कि लॉग लॉग 4/1 हो जाएगा ठीक है, बराबर लॉग 4। लॉग 4 का मान कितना होता है 0.6021 ठीक है, क्या होता है 0.06। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, सारे मान को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा ई ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2.2303 इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे दो मान निकल कर आए थे ठीक है। पहला मान क्या आया था, हमारा पहला मान क्या आया था ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। अब देखेंगे जो R का मान होता है, यहाँ पे एक चीज और है तो R का मान आप लोग लिख लीजिए, R का मान कितना होता है, यहाँ पे जो R दिया है ये एक नियतांक है, इसका एक मान होता है कितना होता है 8.314 इंटू कितना होता है 8.314 जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1 ठीक है। अब यही मान यहाँ पे हमको रख देना है, सिंपल सी बात है ठीक है। अब इस मान को यहाँ पे हम जब पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.314 ठीक है, यहाँ पे जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1 उसके बाद इंटू 4585.45 केल्विन, क्या 45 केल्विन इंटू 0.6021 ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ठीक है। देखिए उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या 52,863 जूल मोल इनवर्स ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या मिलने वाला है, तो 52.8 किलो जूल मोल इनवर्स ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा ठीक है। तो आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा ठीक, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपने क्या किया ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी रहेगा आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन होगा चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में, मान लीजिए कोई अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है ठीक है। अब 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता, जो 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, जो प्रारंभिक सांद्रता है इसकी आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, इसके वेग स्थिरांक की हमें गणना करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हमें देखेंगे प्रथम कोट के लिए, क्या प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, की अभिक्रिया के लिए ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए देखिए क्या हो जाएगा, के बराबर क्या आएगा 0.6932 अपान क्या हो जाएगा टी हाफ ठीक है, टी हाफ ये आपके लिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए आपका एक फार्मूला होता है। अब देखेंगे अब जो समय लग रहा है, समय कितना लग रहा है 50 सेकेंड, टी बराबर कितना लग रहा है 50 सेकेंड लग रहा है ठीक है। अब इसको सिंपली रख देंगे यहाँ पे तो 0.6932 अपान क्या हो जाएगा, सिंपली इसमें यहाँ रख देंगे, क्या रख देंगे हम सिंपल तरीके से हम यहाँ रख देंगे 50 ठीक है। जब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6932
6.932 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब देखिए ये कहाँ से आया, ठीक है, हमने देखिए एक जीरो ऊपर से जाएगा, एक जीरो ऊपर से जाएगा तो माइनस वन होगा, फिर यहाँ से भी जीरो खिसकाएंगे तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा के का मान, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ कर लेना है समझ के, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक ले जय हिंद।